চে মেয়র রাধাকিষন হকি টামে খেলা যাচ্ছে এসিয়ান চাম্পিয়্রফি হকি টোটি টোটি থ্রি আসনকাল খেলা যুত্বপূর্ণ ম্যাচ যে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ কহিলে অত্যুক্ত হব না কারণ ভারত পাকিস্তান যে যেকোন ক্রীড়ার যেতবে মুাবিলা হয়ে সবুলে আমি দেখে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ তেবে ভারত তো কেবা গেলে বর্তমান টেবল টপ্রে অ এবং টুর্ণামেক্টে বর্তমান সুদ্ধা কৌশি ম্যাচে ভারত পরাজিত হয়ে না অন্য পক্ষে পাকিান গোটে যুব দলকি এই টুর্নামেন্ট খেল এবং গতকাল খেলা যাই ম্যাচ রে চাইনা বিপক্ষে বিজয় হাসল করেছি নিয়া নিাবে গোটে প্রকার পাকিস্তান পাকিান খেলা মনোবল উর্ধের রয়েছে তবে ভারত বিপক্ষের যে পাকিান চ্যালেঞ্জ কে টকর হব আমি আলোচনা আমাদের পূর্বতন আন্তর্জাতিক হকি খেলা মহম্মদ রিয়াজ সার যোড হয়েছেন ওয়েলকম টু অর इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमेशा कड़ा टक्कर होता है अच्छा मुकाबला होता है सर इस बार क्या होगा इंडिया अच्छा खेल पाएगा या पाकिस्तान यंग टीम इंडिया के लिए प्रेशर क्रिएट करेगा ऐसा देखो जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो बढ़िया मैच होता है तो इवन पब्लिक भी एंजॉय करती है और आ, ज्यादा स्किलफुल टीम होती है पाकिस्तान इंडिया भी स्किलफुल टीम होता है बट आप देखेंगे तो वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया अपर साइड में है बट ये चीज आके सपोर्ट भी है कि आके अपना वन ग्राउंड इंडिया में खेल रहा है और एक तरफ से दबाव भी है कि जो इंडिया में खेल रहे है, और चेन्नई में खेल रहे है एशियन चैम्पियंस इंडिया पाकिस्तान के साथ सो वो प्रेशर भी रहता है बट डेफिनेटली एक तरफ से देखेंगे तो आ, इंडिया टीम अपर साइड है जैसा जैसा खेल रहे है इंडिया है, हर दिन प्रोसेस कर रहा है ये एक ही मैच एक ही मैच थोड़ा सा एक ही मैच थोड़ा सा पेनल्टी कॉर्नर में थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, सा जापान के अगेंस्ट थोड़ा मिस हो गया वो नेक्स्ट उन लोग हर इसमें आके देख के उन लोग थोड़ा सा अच्छा सा लेके आया है डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया मैच होएगा जैसा साफ गेम में 95 में हुआ था जब मैं खेल रहा था इंडिया पाकिस्तान का मैच माए धनराज मुकेश खेल रहे थे शाबाज ताहिर और कमरान ये वर्ल्ड कप बेस्ट मैच हुआ था वो वैसा जब जबी भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है पब्लिक लोग इतना एंजॉय करता है और मैच भी बहुत बढ़िया होता है जितना इंडिया पाकिस्तान मैच में आके स्किल ज्यादा देखने का पड़ता है कि अच्छा डॉज होता है अच्छा रॉन्ग फुट पास होता है जनरली यूरोपियन मैचेस टीम के साथ आके फास्ट रनिंग होता है डिफ्लेक्शन होता है बट ये स्किलफुल गेम होता है इंडिया पाकिस्तान का सर एक प्रेशर हैंडल गेम भी है इंडिया पाकिस्तान मैच क्योंकि ये तो बोले दोनों प्रॉपर राइवलर है उसके बाद दोनों का हमेशा अच्छा हॉकी खेला है तो इसीलिए देखते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पिछली बार देखोगे तो पाकिस्तान एक यूथ टीम है तो क्या इतना कैपेसिटी है क्योंकि टीम इंडिया का मतलब अच्छा स्क्वाड है सारे मैच अच्छे खेला है अच्छा परफॉर्म किया है इस बार पाकिस्तान एक यंग साइड है अगर उमर भुट्टा को छोड़ देते तो और किसी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे टीम कैसे हैंडल कर पाएंगे प्रेशर देखो जबी भी कौन सा टीम भी दुनिया में यंग टीम खेलता है उनके पास ज्यादा फास्टनेस रहता है ज्यादा क्विकनेस रहता है ताकि आके एक्सपीरियंस कम होता है आना ज्यादा अपॉर्चुनिटी इंडिया नहीं देना चाहिए ताकि जब भी, भी फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में इनको आके थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए इंडिया लीड करके खेलेगा जब भी वो यंगस्टर्स टीम का दबाव थोड़ा कम हो जाएगा ताकि उन लोग फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर या यंग टीम को खेलने दे देंगे दे, स्पेस क्रिएट करने देंगे दे खेलने देंगे ज्यादा कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को देंगे तो थर्ड एंड फोर्थ कंट्री में दबाव ज्यादा इंडिया के ऊपर गिरेगा जब आप खेल रहे थे इंडिया पाकिस्तान जो मुकाबला होता था उस टाइम में ड्रेसिंग रूम में कैसे माहौल हुआ करता था और ऑन द द फील्ड फील्ड एंड ऑफ में कैसे माहौल हुआ करता था देखो जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक दुनिया का एक बहुत बड़ा कंट्री खेल रहा है हम लोग ऐसा नहीं कि रिवल ही नहीं लेते थे ताकि हम लोग सिर्फ ये था कि दुनिया का बहुत अच्छा टीम खेल रहा है इसमें हमारा हर खिलाड़ी हमारा बेस्ट दे के इंडिया कभी भी पाकिस्तान से जीतना चाहिए बोल के यही ड्रेसिंग रूम में हर आदमी बोलते है कि हंड्रेड परसेंट दे के खेलना है जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है अच्छे अच्छे टीम के साथ ना अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है वो अपॉर्चुनिटी गंवाना ना चाहिए उसको कन्वर्ट करके गोल में जरूर टीम अच्छा परफॉर्म करना है सर मोहम्मद खान पाकिस्तान का स्ट्राइकर अभी टूर्नामेंट में तीन गोल कर चुका है उनका खतरा है क्या टीम इंडिया के लिए देखो अब स्ट्राइकर में अंदर आने के बाद हर आदमी प्लेयर खतरा होता है एक आके क्वालिटी प्लेयर हो जाता है उसको आके थोड़ा हाफ चांस मिल जाता है तो वो कन्वर्ट कर देता है गोल में बट ये प्लेयर जो कंटिन्यू स्कोर कर रहा है हर मैचेस में स्कोर कर रहा था उसके ऊपर एक नजर रखना चाहिए जब भी वो सर्कल के अंदर आता तो सर टीम में एक लोकल लड़का भी है सेलभम कार्ती उसके बारे में क्या कहेंगे एक गोल भी कर चुका है टूर्नामेंट में और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है देखो सिल्वन कार्क का जब भी उसको मौका मिला है जब भी कोच ने उसको खिलाया है अंदर जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिला है उसको यूटिलाईज किया है अपॉर्चुनिटी इनटू गोल बट ही इज ए गुड स्ट्राइकर सर्कल के अंदर गुड अच्छा बॉल फिनिश कर देता है उसको डेफिनेटली उसका अच्छा ब्राइट फ्यूचर है सर आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू हुइ टीम इज मतलब किस टीम के पल्ला भारी है इस टूर्नामेंट जीतने के लिए और वो भी जानना चाहता हूँ इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मुकाबला में किसका पल्ला भारी है देखो जनरली देखें तो जैसा मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया है बट हर ये गेम का के उस दिन का दिन होता है जैसा अभी जापान वर्सेस इंडिया का मैच था फिर क्लोजर हो गया था उस दिन एवरी डे आके इंडिया परफॉर्म करना की ये तो ये ना सोचे कि हम वर्ल्ड में आके फोर्थ या फिफ्थ रैंकिंग है तो हम आराम से नहीं खेल सकते आज के पे इंटरनेशनल लेवल में हर मैच इज इम्पोर्टेंट है सर लास्ट 16 साल के बाद इंटरनेशनल हॉकी चेन्नई को आया है सर माहौल कैसे देख रहे हैं देखो ये आके साउथ में चेन्नई में आके हॉकी का हब है बहुत बड़ा हब है जो इधर बहुत बड़े मैचेस चले चैंपियंस ट्रॉफी चला है एशिया कप चला है ये साफ गेम्स हम लोग जीता इंडिया पाकिस्तान इतना क्राउड आता था अब बहुत लोग आके शान से बैठा था कि सोलह साल के ये हॉकी वापस वापस आ जाए चेन्नई में वो वापस आ गया ये एशिया कप छो गया फ्यूचर में अच्छा टूर्नामेंट uh, uh, सीधा चलेगा डेफिनेटली पब्लिक इससे भी ज्यादा पब्लिक आएगी और एंजॉय करेगी हॉकी कभी भी मरेगा नहीं जिंदगी रहे, जिंदा रहेगा

କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟିଯାକ କ୍ୱାର୍ଟର ସେଥିରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିବେ ତା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶି ରହିଛି ଚେନ୍ନାଇରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍